पतियों को अपनी पत्नियों को फ़ोन दिलवाना महंगा पड़ता जा रहा है। पहले सीमा हैदर फ़ोन पर पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान से भारत आ पहुंची, और अब बिहार के बांका ज़िले की खबर है, जहां पति द्वारा पत्नी को फ़ोन दिलाई गई और पत्नी ने फ़ोन से दूसरे प्रेमी को फंसाया और तीन बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। बता दें कि फरार महिला के पति नेपाल में मजदूरी करते हैं। कुछ दिनों पहले ही जब वो घर आया तो पत्नी के लिए 20,000 रुपये का नया फ़ोन लेकर आया था। पति जब अपने काम पर वापस लौटा तो करीब एक हफ्ते के बाद महिला अपने प्रेमी से फरार हो गई। अब इस मामले की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। बता दें कि इस संबंध में पीड़ित पति ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं। नेपाल पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी को लगातार फ़ोन कर रहा था, जिसके बाद ये पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे ब्लॉक कर दिया है। वहीं कुछ दिनों के बाद फिर जब वो फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल बंद आने लगा, जिसके बाद जब उसने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया तो पता चला कि उसकी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ फरार हो चुकी है। पत्नी के फरार होने की सूचना जैसे ही पति को मिली, वो सारा काम धाम छोड़कर घर वापस आ गया और इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। वहीं पीड़ित की मां ने बताया कि मेरे बेटे की शादी के करीब 10 साल हो चुके हैं। काफ़ी समय से मेरी बहू फ़ोन पर किसी लड़के से बात किया करती थी, जिसे लेकर कई बार झगड़े भी हुए, जिसके कारण वो अलग रहने लगी थी। वहीं पीड़ित पति के अनुसार लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले को लेकर अमरपुर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है और छानबीन के बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।